हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संपदा। आज हम लोग रॉक चॉकलेट बनाना सीखने वाले हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। आप कम से कम समय में रॉक चॉकलेट बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई मोल्ड की आवश्यकता भी नहीं लगती। तो आइए रॉक चॉकलेट बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 120 ग्राम डार्क चॉकलेट लिया है। ये डबल बॉयलर में मैं मेल्ट करके लेने वाली हूँ। यहाँ पे ये अच्छी तरह मेल्ट हो गया है। अभी इसमें मैं काजू और बादाम के टुकड़े ऐड करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने काजू 50 ग्राम लिए हुए हैं और बादाम 50 ग्राम लिए हुए हैं। आप आपके पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। हर एक टुकड़े को मेल्ट किया हुआ चॉकलेट लगना ज़रूरी है, इसलिए बहुत अच्छी तरह हमें इसको मिक्स करके लेना है। यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी आपको जिस आकार में चॉकलेट चाहिए उतना चम्मच में ले और प्लेट में ऐसे रख दे। अगर आपको चॉकलेट का आकार और छोटा चाहिए तो छोटा चम्मच इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने ऐसे चॉकलेट रेडी करके रख लिए हैं। अभी 10 मिनट के लिए मैं रेफ्रिजरेटर में सेट करने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे ये चॉकलेट रेडी हो गए हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। यहाँ पे ये अच्छे से उबल गया है।